हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैकिस्ट नेट के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां पर हम देखेंगे कि ब्लैक लैंटर्न काल एल फिर से सर्वाइव होता है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्विक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर हमें दिखाया जाता है डैमेज, जॉनी क्विक और लुइस लेन, उन तीनों के क्विक फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी डेट भी दिखाई जाती है। और तभी ब्लैक लैंटर्न पावर रिंग का मेमोरी डाउनलोड कंप्लीट होता है और वो तीनों ही राइज होते हुए हमें दिखाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं स्टार लैब में, जहाँ पर स्टार गर्ल एलन स्कॉट और डॉक्टर फेट की एनर्जी को एक साथ करके मिस्टर टेरिफिक कुछ बना चुका था और वो कहता है, अब मुझे लगता है कि हम उन्हें डिफीट कर पाएंगे, उन अनडेड एफिलिंग्स को, और इसी के साथ हम सारे पावर्स को एक साथ करके उन सभी का खात्मा कर देंगे। बाहर हम देखते हैं कि जस्टिस लीग ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स अभी भी ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे। यहाँ पर मिस्टर टेरिफिक कहता है, बाहर जो लड़ रहे हैं उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, सब कुछ जो भी वो जानते हैं या जो भी वो अचीव कर चुके हैं। और मैंने एलन के पावर रिंग यानी कि लाइटनिंग, कॉर्टन के कॉस्मिक रोड और डॉक्टर फेट के यूनिक एनर्जी के साथ कुछ ऐसे कंबाइनिंग पावर इकट्ठा की है, जिस वजह से हम एक ऐसा डिवाइस क्रिएट कर पाएंगे जो कि इन सभी के ब्लैक लाइट को ब्रेक कर पाएगा, और मुझे सिर्फ कुछ और ज्यादा टाइम की जरूरत है। यहाँ पर एलन स्कॉट अपनी रिंग से पूछते हुए बाहर का हाल बताता है, वहां पर कुछ अच्छे हालात नहीं है मिचेल, हमें जल्दी करना होगा। और तभी स्टारगर ये पूछती है कि आखिर टेड कहां पर चला गया, जिस पर डॉक्टर फेट कहता है वाइल्ड कैट, वो भी पावर गर्ल के साथ है। इस पर स्टारगर्ल पूछती है ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन सामने आते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये कि टेड कहां पर है और दूसरा क्वेश्चन ये कि आखिर पावर गर्ल कहां पर है। तभी हम देखते हैं कि वाइल्ड कैट और पावर गर्ल दोनों ही लुइस लेन के सामने थे। यहाँ पर लुइस लेन को देखते ही वाइल्ड कैट पूछता है क्या ये वही है, जिस पर पावर गर्ल कहती है हाँ ये वही है, ये लुइस है, मेरी माँ, मेरे अर्थ से। यहाँ पर लुइस उसे कह रही थी मैं कमजोर हो चुकी हूँ, इस रिंग ने मुझे करप्ट कर दिया है, मेरी मदद करो कारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कारा उसकी बातों में आकर अपने इमोशन में बदलाव कर रही थी। यहाँ पर वाइल्ड कैट माँ अंकल को सिक्योर करता है और यहाँ पर लुइस लेन माँ अंकल से माफी मांगती है जो भी उसने उसके साथ किया था, और वो कहती है कि मैं अपने टेड पति के साथ फिर से टेड में समा जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उन तक पहुँचा सकती हो। जिस पर कारा कहती है क्यों नहीं, मैं तुम्हें उन तक जरूर पहुँचाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनी क्विक को अपनी बेटी के सामने, यहाँ पर वो कह रहा था जेस मैं फिर से वापस आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस आ चुका हूँ। जिस पर जेन कहती है लेकिन मैं यकीन कैसे कर लूँ कि आप उन लोगों की तरह नहीं है, मैं ये कैसे मान लूँ कि आप उन लोगों की तरह ही ब्लैक लैंटर्न नहीं बन चुके हैं। इस पर वो कहता है नहीं मैं उन जैसा नहीं हूँ, वो वीक, एंग्री और तबाही करने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ में तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। और वो ये नोटिस करता है कि उसने उसकी माँ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जिस पर चेस कहती है मैंने माँ का कॉस्ट्यूम तो पहना हुआ है लेकिन मैं आप जैसे बनना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है तो ठीक है जेस, तो फॉर्मूला दोहराओ, और वो फॉर्मूला दोहराते हुए फिर से अपने पापा के कॉस्ट्यूम में आ जाती है। यहाँ पर वो कहती है तो अब देखिए मैं हूँ जेस क्विक, और इतना कहते ही वो उसको अपने साथ दौड़ने के लिए कहता है। आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं एटम स्मैशर और जूडो मास्टर डैमेज के सामने थे। यहाँ पर डैमेज कहता है तुम सही थी सोनिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और मैं अब किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता। और इसी के साथ वो अपना मास्क उतारते हुए कहता है तुम देख सकती हो कि मेरा चेहरा अभी कितना बेकार बन चुका है, लेकिन इससे भी कई बुरी चीजें हैं जो मेरे अभी दिमाग में चल रही है, और इन सभी को मैं अपने से दूर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया था किल करने को सोनिया, उन्होंने मुझे हमेशा से वो बना दिया जो कि मैं बनना नहीं चाहता था। इस पर एटम स्मैशर सोनिया से कहता है इसकी बात मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। इस पर एटम स्मैशर से वो कहता है तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि तुमने कई चीजें ऐसे की है जो कि तुम भी करना नहीं चाहते थे, जैसे कि तुम ब्लैक एडम के साथ कितने लोगों को मार चुके हो। और इतना कहते ही डैमेज नीचे बैठते हुए कहता है अब बहुत हो चुका, मैं उनके जैसे बनना नहीं चाहता, मैं फिर से मैं बनना चाहता हूँ, मैं फिर से रेस्ट इन पीस में जीना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि बाकी बच्चे सारे जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स सभी ब्लैक लैंटर्न से बारी बारी लड़ रहे थे, और यहाँ पर अभी भी वाइल्ड कैट, पावर गर्ल, लुइस लेन के सामने खड़े थे। यहाँ पर वो स्टार लैब के बाहर खड़ी थी, यहाँ पर वो कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे अपने हस्बैंड के पास जाने दो, उनके पास जाकर यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर पहले तो वाइल्ड कैट कहता है नहीं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, और तुम जो कह रही हो वो मैं सुन चुका हूँ, तुम जो कह रही हो उसे ये पिघल सकती है लेकिन मैं नहीं, समझ गए, तो हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैमेज सभी ब्लैक लैंटर्न को रोकता है
यहाँ पर सारे ब्लैक लाइटर्स को इकट्ठा देखकर मैगॉग उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और स्पेशली डैमेज पर। लेकिन एटम स्मैशर उसका वार दूसरी तरफ करते हुए कहता है, नहीं मेरी बात सुनो, वो हम में से एक बन चुका है। वो उन लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मैगॉग कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे बात को, उसने सिर्फ तुम्हें कन्विंस किया है। वो सिर्फ तुम लोगों को अनप्रोटेक्टेड करना चाहता है उस स्टार लैब से, और वो सिर्फ तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन जूडो मास्टर और एटम स्मैशर मैगॉग को एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरफ डैमेज सब लोगों को कहता है, पास आओ ब्लैक लैंटर्न्स, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है और इसी के साथ उस धमाके में सब कुछ तबाह हो जाता है। आधे जले हुए ब्लैक लैंटर्न्स वहाँ पर बच जाते हैं और इस धमाके को वहाँ पर खड़े लुइस, कारा और वाइल्ड कैट तीनों ही देख रहे थे। अंदर स्टार लैब्स में यहाँ पर एलन स्कॉट ने वक्त रहते फोर्स फील्ड क्रिएट कर दी थी और यहाँ पर वो कहता है, मैंने समय रहते फोर्स फील्ड क्रिएट कर दी, वरना हम भी इस ब्लास्ट से नहीं बच पाते। यहाँ पर मिस्टर टेरिफिक से पावर गर्ल कहती है कि सब कुछ क्लियर हो चुका है और डैमेज ने खुद को सैक्रिफाइस किया है सभी ब्लैक लैंटर्न्स को मारने के लिए। यहाँ पर एलन को मिस्टर टेरिफिक शील्ड नीचे करने को कहता है और जाकर पावर गर्ल से मिलता है, जहाँ पर वो देखता है, तुमने कहा था कि सब कुछ क्लियर हो चुका है तो ये क्या है? जिस पर वो बताती है कि वो मेरे साथ आई है। जिस पर मिस्टर टेरिफिक पूछता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जिस पर वो बताती है कि लुइस और कालेल मेरे माता पिता जैसे थे, उन्होंने मुझे तब संभाला जब मेरे पास कोई नहीं था और अब वो सिर्फ अपने हस्बैंड को देखना चाहती है और कुछ भी नहीं। जिस पर मिस्टर टेरिफिक कहता है, कारा वो तुम्हारी माँ नहीं है, यहाँ तक कि वो लुइस लेन तक नहीं है, और ये फीलिंग्स जो वो फील करने का नाटक कर रही है वो उनके पास है ही नहीं, वो ह्यूमंस तो छोड़ो बल्कि उनके आसपास तक नहीं है। लेकिन पावर गर्ल कहती है, लेकिन उसकी तरफ देखो मिचेल, उसके चेहरे के फीलिंग्स को महसूस करो। जिस पर मिस्टर टेरिफिक रीडिंग चेक करते हुए कहता है, रुको, तुमने कहा था कि डैमेज ने खुद को सेक्रीफाइस किया है एक्सप्लोजन के जरिए सब लोगों को मारने के लिए, लेकिन उसने जो एक्सप्लोजन किया है वो सिर्फ एक सिंपल एक्सप्लोजन था, वो किसी को भी मार नहीं सकता था और उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि लुइस लेन अपनी रिंग अपने हाथ से निकाल चुकी थी और वो रिंग एक नए कनेक्शन के लिए वहाँ पर घूम रही थी, और इसे देखते ही मिस्टर टेरिफिक उसकी तरफ बढ़ रहा था और कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, उन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। और तभी वो एलन से कहता है कि शील्ड करो, मेरे वर्क टेबल को अपनी शील्ड के साथ प्रोटेक्ट करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कालेल जो कि अर्थ 2 से था वो अब राइस हो चुका था, और राइस होते ही वो कहता है, तुम लोग अब भी समझ नहीं पाए कि तुम लोग कुछ भी कर लो, लेकिन गुड सुपरमैन को तुम खुद से दूर नहीं रख सकते। हम देखते हैं कालेल यानी कि अर्थ 2 के सुपरमैन का क्विक फ्लैशबैक, जहाँ पर वो कह रहा था, मैं अल्टीमेट अमेरिका की सक्सेस स्टोरी था, मैंने अपनी पावर्स के साथ सेल्फिश होने के बजाय मैंने उन पावर्स के साथ सभी की मदद की और इसी की वजह से मैं उस सिटी का सुपरमैन बन गया एक मार्क के साथ। आगे हम देखते हैं सुपरमैन के कुछ ऐसे कारनामे जो कि सुपरमैन ने अपने लाइफ में किए थे, जहाँ पर वो आगे कहता है, मैं चैंपियन था अपने एडॉप्टेड किए गए वर्ल्ड का, और मेरे ही साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े जो कि मेरे फुटस्टेप को फॉलो करते हुए मैं उनका लीडर बन गया और अन्याय के खिलाफ मैं उनके साथ लड़ने लगा। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए फादर फिगर था, लेकिन एक पर्सन के लिए मैं सच का फादर था, लेकिन वो एक अनादर वर्ल्ड और एक अनादर अर्थ थी, और मैं मारा गया सुपर बॉय के साथ फाइट करते हुए एक डिस्टेंस प्लेनेट पर। और तभी हम देखते हैं कि कालेल पावर गर्ल को मरते हुए कह रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ कारा, मैं हमेशा यहीं पर हूँ, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और यही हम सुनते हैं आगे कारा के साथ फाइट कर रहे ब्लैक लैंटर्न कालेल के मुंह से, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है कारा। जहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार लैब में कारा अभी भी फाइट कर रही थी ब्लैक लैंटर्न कालेल के साथ। यहाँ पर एलन स्कॉट पूछता है, क्लार्क और कॉर्नर ने मिलकर ज़ॉम्बी सुपरमैन को पहली बार रोका था, वो भी कई मुश्किलों के बाद। जिस पर मिस्टर टेरिफिक कहता है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, हमें रोकना होगा किसी अलग तरीके से। यहाँ पर एटम स्मैशर कहता है, मैंने जो किया मुझे वो करना नहीं चाहिए था, मुझे डैमेज पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जिस पर वाइल्ड कैट कहता है, पावर गर्ल और मैंने भी यही किया है एटम स्मैशर, तो तुम अकेले नहीं हो जो कि ब्लैक लैंटर्न्स के छलावे में आ गए। तभी मैगॉग जूडो मास्टर से कह रहा था, मैंने तुम्हें वार्न किया था जूडो मास्टर। जिस पर जूडो मास्टर कहती है, मुझे पता है मैगॉग, मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने हम सभी लोगों को खतरे में डाल दिया है। इतना देखकर एलन वहाँ से उड़कर सुपरमैन को मारने के लिए कारा की मदद करने जा रहा था कि तभी उसे पकड़ते हुए मिस्टर टेरिफिक कहता है, रुको एलन, मुझे तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है, हमें ये डिवाइस कंप्लीट करना है। इस पर स्टार गर्ल कहती है,
भले ही इसके लिए हमें पावेल की जान लेनी पड़े। इस पर डॉक्टर फेट कहता है, मिस्टर टेरिफिक का कहना सही है सागल, अगर ये कंप्लीट हो गया तो हम सभी तबाह होने से बच सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर टेरिफिक कहता है, तो चलो फिर से काम में लगते हैं। एलन शील्ड फिर से ऊपर करो। अगर सुपरमैन को ये रियलाइज हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, तो तुम्हारी शील्ड काम की साबित हो सकती है। अब हमारे टीममेट्स पर भरोसा करो कि वो लोग उन्हें बचाने तक का वक्त हमें दे सके। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनी क्विक के साथ उसकी बेटी जेस क्विक भागी जा रही थी और वो अपने पापा को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश थी। और यहीं पर कारा अपने ही पापा से यानी कि कार्लेल से लड़ रही थी, जहाँ पर वो कह रहा था, कारा अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो लड़ना छोड़कर मुझे ज्वाइन करो। इस पर कारा कहती है, अगर रियल कार्लेल होता तो इससे बेहतर कुछ कहता। और इतना सुनते ही कार्लेल कारा पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एटम्स में से बड़ा होकर उसे पकड़ लेता है और मैकॉक से उसे ब्लास्ट करने को कहता है, लेकिन हीट विजन के साथ वो एटम स्मैशर को दूर फेंक देता है और अपनी कोल्ड ब्रीथ के साथ ही कार्लेल मैगा को भी फ्रीज कर देता है और आगे बढ़ता है एलन की तरफ, जहाँ पर वो कहता है, मेरी जस्टिस सोसाइटी में लेजेंड्स थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्क के पीछे छुपे हुए बच्चे है। लेकिन तभी उसे एक जोरदार पंच मिलता है और वो नीचे जा गिरता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सिटीजन स्टील साइक्लोन आ चुके थे, जहाँ पर सिटीजन स्टील कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, और साइक्लोन कहती है कि मैंने मास्क तो नहीं पहना है। और इसी के साथ सिटीजन स्टील उस पर अटैक करता है, लेकिन एक ही पंच में वो सिटीजन स्टील को वहाँ से दूर फेंक देता है और आगे बढ़ता है एलन की तरफ। और बढ़ते हुए वो कहता है, तुम मुझे सुन रहे हो ग्रीन लैंटर्न, मैं अभी तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से पावगल आते हुए कहती है, लेकिन तुम मेरे होते हुए वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ पर एलन स्कॉट सब कुछ देख रहा था, जहाँ पर वो कहता है, मिचेल वो उन सभी को वहाँ पर मार रहे हैं। इस पर वो कहता है, रुको अभी थोड़ी देर रुको, हमें सब कुछ मिल चुका है, लगभग ये डिवाइस पूरा ही होने वाला है। जिस पर लाइटनिंग पूछती है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा ये वेपन श्योरली काम करेगा उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब मिस्टर टेरिफिक बताता है कि जब ब्लैक लैंटर्न ने स्ट्रक किया तब उनका पहला टारगेट था जमाल थंडर और टेरी सेलॉन, और इस डिवाइस ने अनलिस किया है मैजिकल इलेक्ट्रिकल और कॉस्मिक एनर्जीज को मिमिक करने के साथ ही जमाल के थंडरबोल्ट को। तो ये प्रोसेस क्योंकि ब्लैक लैंटर्न्स के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है, यहाँ तक कि सुपरमैन के लिए भी, तो ये प्रोसेस आसानी से नाकाम नहीं हो सकती, तो पावर लेवल नॉमिनल करो। और यहाँ पर वो कहता है, एलन तुम्हारी जरूरत है यहाँ पर शील्ड्स के लिए, डॉक्टर फेट की जरूरत है एनर्जी मैट्रिक्स स्टेबिलाइज करने के लिए, लेकिन लाइटनिंग और स्टार गर्ल जाकर फाइट ज्वाइन कर सकती है। और इतना सुनते ही दोनों ही फाइट में कूद पड़ती है और कार्लेल जो कि पावर गर्ल के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था उस पर अटैक करती है, लेकिन सुपरमैन के लिए वो दोनों भी काफी नहीं पड़ती और वो उन्हें थोड़ी देर में मजा चका देता है। आगे यहाँ पर एलन देखता है कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है और तभी एलन देखता है कि वो पावर गर्ल को बुरी तरह से पीट रहा था और उसी के साथ वो बढ़ता है एलन की तरफ और एलन की कंस्ट्रक्ट की गई शील्ड को तोड़कर वो उसे डॉक्टर फेट के ऊपर फेंक देता है। और तभी वो आगे मिचेल और उसके डिवाइस की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पावर गर्ल पीछे से उसका पैर पकड़ लेती है, जिस पर वो कहता है, ये अनबिलीवेबल है। इस पर पावर गर्ल कहती है, इस पर विश्वास करो कार्लेल, ये अभी भी हो रहा है। या दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जेस क्विक अपने पापा के साथ एक लंबी वॉक पर निकल चुकी थी और वहीं पर वो अपने बचपन के जॉगिंग के टाइम के कुछ एक्सपीरियंस फील कर रही थी। यहाँ पर मिस्टर टेरिफिक अपना काम कर चुका था और अपना डिवाइस भी एक्टिवेट कर चुका था और वो कहता है, तो जलो 100 पीस ऑफ सुपरमैन जलो। और इसी के साथ पूरी व्हाइट लाइट सभी तरफ फैल जाती है और उसी शॉकवेव के दरमियान सुपरमैन और बाकी सभी लैंटर्न्स यानी कि सबसे पहले जॉनी क्विक तबाह हो जाते हैं। और यहाँ पर वो देख रहा था ये शॉकवेव कहाँ पर रिएक्ट कर रही है और तभी हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी के सारे ब्लैक लैंटर्न्स अब टोस्ट बन चुके थे। यहाँ पर वाइल्ड कैट संभाल ले जाता है पावर गर्ल को, जहाँ पर वो कहता है, एक बेल के जरिए हमने बचा लिया है किड। इस पर पावर गर्ल उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, हाँ तुम्हारे टेल बचाने से तो अच्छा ही हुआ। यहाँ पर डॉक्टर मिडनाइट पूछ रहा था, लेकिन हमने मेन इन्फेक्शन जो कि अभी कोस्ट सिटी में है वो तो खत्म ही नहीं किया, क्या तुम ये मशीन फिर से कंस्ट्रक्ट करके ब्लैक लैंटर्न बॉम्ब तैयार कर सकते हो? इस पर मिस्टर टेरिफिक उसे समझाता है, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर, क्योंकि ये कंपोनेंट्स यूनिक है, ऐसा कहो कि सिर्फ ये वन टाइम थिंग है, लेकिन हमने लगभग ब्लैक लैंटर्न सुपरमैन को तो अपने रास्ते से हटा ही दिया है, अब बाकी का काम ग्रीन लैंटर्न कॉप पर छोड़ दो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा या फिर इस कॉमिक के अलावा अगर कोई इंटरेस्टिंग कॉमिक या फिर वीडियो हो तो भी मुझे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।